जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर टूट रहे हैं रोड पे। साहब हम अयोध्या में आए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो हम आए हैं भाई यहाँ बाय ट्रेन, अयोध्या धाम जंक्शन पे है इस टाइम हम। और जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह हमारी ट्रेन ने हमें ड्रॉप कर दिया है और भाई सुबह के 7:30 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जो बनाया गया है बिल्कुल यूनिक तरीके से। उसके बारे में हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे कैसा बनाया गया है पूरा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ गेट नंबर 14 स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं इस रेलवे स्टेशन पे। और अलग अलग तरीके के गेट बनाए गए हैं जैसे आप एयरपोर्ट पे देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं अयोध्या धाम के टोटल 14 गेट हैं। 14 गेट में से आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और मैं जो एंट्री करूँगा वो गेट नंबर 12 से होगा और एग्जिट भी उसी से होगा अपोजिट साइड से। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके अंदर कैसी चीज़ें बनाई गई है, क्या क्या रखा गया है। तो मेन एंट्रेंस होते ही आपको सामने दिख जाएगी गिलहरी का बहुत बड़ा स्टैचू। गिलहरी का स्टैचू भी काफ़ी बड़ा है दिखने में जैसा आप देख सकते हैं। और इसके बारे में लिखा भी है कलाकृति का विवरण और नीचे इसके बारे में बताया गया है। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ डिजिटल इंडिया के बारे में भी शो करा गया है और यहाँ रोबोट और यहाँ मोदी जी का एक डमी सा खड़ा हुआ है, आप इसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ्लोरिंग ये 2nd फ्लोर तक बनाया गया है और मंदिर की जैसे पेंटिंग होती है ना बिल्कुल उसी तरीके से आपको गेट पे मिल जाएंगे। और यहाँ आपको अगर फोटो खिंचानी है मोदी जी के साथ तो बिल्कुल रियल जैसी लगेगी ये। जैसे आप और अंदर आएंगे इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर तो आपको फूड प्लाजा दिख जाएगा। फूड की पूरी फैसिलिटीज़ है यहाँ, कुछ भी खा सकते हैं आप बैठ के। तो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा हुआ है इस रेलवे स्टेशन को। और ये नहीं है कि मतलब ऊपर ऊपर से बना दिया, यहाँ आप जैसे एस्केलेटर भी दिया गया है, अगर आपको दूसरी साइड जाना है तो आप एस्केलेटर का यूज़ करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब नॉर्मल स्टेशन की तरह सीढ़ियाँ नहीं है, तो एस्केलेटर का पूरी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है ये। तो ये है गाइस एग्जिट गेट अयोध्या धाम का। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपका थोड़ा ऐसा व्यू होगा, यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस ये पूरा जैसे आप बाहर निकलोगे ना तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वे टू श्री राम मंदिर मेन रोड, जो 1 किलोमीटर का साइन दिखा रहा है। और ये है इस गली की तरफ, मैं आपको पूरा लेके चलूँगा। यहाँ पे पूरा इतनी भीड़ लगी हुई है और सामने देख लो पुलिस की कितनी पूरी व्यवस्था करी गई है यहाँ पे। और इस गली में से आपका रोड दिखा रहा है, तो हम आगे चलते हैं। और थोड़ा हम अयोध्या में आए ठंडी पाव तो भाई यहाँ चल चुका है पूरा अपना गन्ने का रस निकालने का। हम पी के अब गन्ने का रस 3 गिलास करवा लिए इतनी भीड़ है अभी स्टार्टिंग हुई है हमारी चलने की, 2 किलोमीटर का सफर है हमारा। एक तरफ हनुमान जी की बनाई गई है और एक तरफ राम जी की बनाई गई है और ये मंदिर की आकृति बनाई गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है जो। और ये देख लो हेलो भाई, और यहाँ इतनी भीड़ है देख सकते हैं आप, सारे भक्तजन निकल चुके हैं रोड में। जय श्री राम की टी शर्ट पहनी हुई है, सब अपने अपने श्रद्धा से अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, ये देख लो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर टूट रहे हैं रोड पे। साहब को राहुल बनाएगा जो भी बाहर की तरफ से छज्जे वगैरह निकले हुए थे, जो ये रोड चौड़ी हो जाए पूरी तरीके से। और यही मेन रोड है मंदिर के जाने की, यहाँ पे अलग अलग ठेले हैं, हर चीज़ मिल जाएगी आपको।
रोड, अब ये रोड पूरी चौड़ी करने के लिए पूरा काम चल रहा है और ये सारे घर तोड़ वगैरह दिए और यहाँ आपको ऑटो मिल जाएगा अगर आप ऑटो से जाना चाहोगे तो। गाइस देख लो, अब हमने चाट बनवाई है, यहाँ की फेमस है। ये चिकित्सालय बने हुए हैं भाई, गले गले ये देख सकते, एक छोटा सा मंदिर इधर भी है, यहाँ बिड़ला मंदिर इसे कहते हैं और यहाँ अभी सुबह सुबह से ही लाइन शुरू हो गई है, लाइन लग पड़ी है इसके लिए भी। और ये है मेन अंदर जाने की रोड, तो अभी हम उधर जाएंगे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ 2 किलोमीटर दूर राम मंदिर से और यहाँ है राम घाट। आप राम घाट की तरफ आएंगे तो आपको भीड़ उतनी ही मिलेगी जैसे अब दिख रही है आपको। नॉर्मल डे में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं कहूँगा कि अभी कुछ दिन रुक के आए राम मंदिर। और ये देख सकते हैं यहाँ राम घाट है, ये अलग से बनाया गया था जब मंदिर बनने वाला था ना तब ये शुरू करा था। यहाँ ऐसी लाइटें हैं जो रात को जगमग हो जाता है पूरा अयोध्या लाइटों से, बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ बीना लगाई गई है, बहुत ही बड़ा स्टैचू है बीना का इसी चौक पे। और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये घाट आ जाएगा, आप इसको कहते हैं राम घाट। जैसे ही आप आएंगे राम घाट की तरफ तो आप देख सकते हैं इतना सुंदर घाट बनाया गया है और साइड में इसके बहुत सारी धर्मशाला है रहने के लिए, अगर आप रहना चाहे तो यहाँ आके रह सकते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें ये एक रूम मिला है, देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन ठीक है मतलब। और जैसे हमने राम मंदिर के पास देखोगे आप, वहाँ आपको रूम मतलब बहुत ही हाई रेट पे मिल जाएंगे। और यहाँ जो रूम मिला है ये हमें मिला है 1200 रुपये का और घाट के बिल्कुल जस्ट सामने मिला है। और अब हम दिखाएंगे आपको इसका बाहर का व्यू कैसा आएगा, ये देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ से ये है, ये आपको दिख जाएगा बिल्कुल जैसे घाट से अंदर को एक छोटी सी गली है, यहाँ लिखा होगा रघुनाथ भवन, ये छोटी सी गली जा रही है और यहाँ है रघुनाथ भवन निवास। और मतलब इसमें किचन भी आपकी होगी, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ के अंदर के रास्ते ऐसे दिखेंगे आपको अगर आप घाट से अंदर को आएंगे। तो लोगों ने अभी तो स्टार्ट करे हैं रूम वगैरह बनाने, इतने ज़्यादा है नहीं फैसिलिटीज़। तो आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल घाट दिख जाएगा आपको, नहा सकते हैं यहाँ पर आराम से, साफ पानी है, ऐसा नहीं है कि गंदा पानी होगा। और लोग मतलब भीड़ लग जाती है सुबह सुबह नहाने की, देख सकते हैं आप जैसे कि गंगा घाट पर लगती थी तो ऐसे ही यहाँ लगती है सेम। और ये घाट मतलब नया बनाया गया है, ये नहीं था कि पुराना घाट था। ये देख सकते हैं आप कैसी लाइटें लगा रखी है, ये रात को जगमग होती है, पूरे घाट पे लाइटें जल जाती है रात होती है। और यहाँ स्क्रीन देख सकते हैं, ये स्टार्ट होगा यहाँ पे लेजर शो, रात को डेली शो होता है 7:30 बजे। अगर आप किसी को देखना है लेजर शो अयोध्या में जाके तो राम घाट जाइए और लेजर शो का मजा लीजिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ इसके सामने सारी चीजें चलती है रामायण, और पूरा लाइट शो से ढक दिया जाता है और ये फाउंटेन चला दिए जाते हैं रात को। तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है यहाँ पे पूरा, आप देख सकते हैं जैसे अयोध्या पूरी तरीके से बदल दिया गया है राम मंदिर बनने के बाद। तो ये पहले चीज़ें नहीं थी, तो जैसे जैसे राम मंदिर बन रहा है धीरे धीरे होटल बन रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ सस्ते में रहना है तो बहुत सारे पंडा, तो आप उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप फ्री में खाना फ्री में रह सकते हैं। देख सकते हैं आप जो राम घाट बनाया गया है ना, ये यहाँ से स्टार्ट है पूरा, और जो सरयू नदी है वहाँ से पानी खींच के इसमें डाला जा रहा है ये इस जगह से। और जो आपने घाट देखा था ना पीछे, उसमें पानी जा रहा है यहाँ से, तो ये ऐसे घाट बनाया गया है यहाँ सरयू नदी के पास राम घाट। और ये पूरा पानी का प्रोसेस है जो यहाँ डाला जा रहा है। गाइस शाम हो चुकी है और हम हैं इस टाइम सरयू नदी के किनारे पे, आपको साइड में दिख जाएंगे, यहाँ से नाव जा रही है पूरा आपको एक राउंड दिलाएगी और वहाँ पे ही ड्रॉप कर देगी जहाँ से लेंगे। तो ये पूरा एक राउंड है यहाँ से लेके इसके गोले से पीछे पीछे,
और यहाँ आपको ड्रॉप कर देंगे। और वह शाम की शांति में देख लो सनसेट होता हुआ। और बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ पे शिव जी महाराज के, राम जी के, हनुमान जी के, तो बहुत ही पुराने पुराने मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे इस घाट पे। और शाम का थोड़ा अलग ही मज़ा है, इस टाइम आपको भजन वगैरह सायत में होते हुए दिख जाएंगे। और ये जो सनसेट है ये अलग ही खूबसूरती दे रहा है। ये चाइनीज के लिए मना कर रहा है, आखिर क्यों चाइनीज नहीं खा पाएंगे? हमको चाहिए सरसों का साथ मक्का दी रोटी। पर भाई अयोध्या यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ है चाइनीज स्टॉल बिल्कुल घाट के सामने, तो ये सुविधा बड़ी अच्छी। भाई आओ रेट पूछते हैं। भाई लेजर शो इस टाइम शुरू हो चुका है पूरा, और देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। भाई जो शो की लाइट है पूरी रोशनी पानी में बिखर रही है। और भाई इस टाइम फुहारे स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे फाउंटेन जो था, कितना सुंदर व्यू आ रहा है देख सकते हैं भाई। वाओ पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है लाइट शो अब राम घाट पे। भाई एक बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया पूरा, देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं भाई। वाओ रेड लाइट के फाउंटेन है पीछे पूरी तरीके से, जो मंदिर है ये रियल मंदिर है उसको पीछे पर लाइट शो से अब ढक दिए गए हैं, रंग बिरंगे दिख रहे हैं आपको, ये देख लो भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों की जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है। ये लोग आ रहे हैं दिए जला रहे हैं और लेजर शो शुरू होने वाला है गाइस। ये देख लो फाउंटेन कैसे कलर चेंज कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे इस पे दिख रहा होगा रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, ये जा रहा आपको मैं दिखा दूं पूरा एचडी करके। ये सब रेडी है कैमरा लेके, थोड़ा लंगूर का देखते हैं अभी। जैसा कि देख सकते हो आप इतना खंडर और इतनी डरावनी जगह पे आए हैं हम रात को एक्सप्लोर करने, ये देख सकते हैं। डरो मत गाइस, आ जाओ आओ आओ भाई, ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है तो गाइस हम घर जा रहे हैं। यहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुरानी पुरानी बिल्डिंग आपको देखने को मिल सकती है, ये देख सकते हैं पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ, पुराने मंदिर मिल जाएंगे आपको घाट के किनारे, और रेडी वाले मिल जाएंगे आपको साइड में घाट के, हर चीज मिल जाएगी आपको, पुस्तक लेनी है आपको, किताब या आपको खाना खाना फास्ट फूड अयोध्या का, तो हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं आप ले सकते हैं यहाँ से। बच्चों के लिए खिलौने लगे हुए हैं, एक धामा के लिए लेने वाला हूँ मैं एक ट्रॉफी सी। हाँ भाई साइकिल ले लो, यू वांट दिस। आप एक बहुत ही पुराना क्षत्रिय समाज मंदिर भी आ गया यहाँ पे घाट के किनारे, और यहाँ सुलभ शौचालय बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं यहाँ पे घाट के किनारे ही, तो ये अच्छी सुविधा हुई है यहाँ। ये इडली डोसा की दुकान है यहाँ, मतलब हर चीज़ मिल जाएगा घाट के पास ही आपको, ये देख सकते हैं अच्छा फास्ट फूड है जो भी खाने का हो। मशहूर लखनऊ के वेज पराठा भी है यहाँ गाइस, ये देख सकते हैं। और ये मेन रोड आ जाएगी राम मंदिर की तरफ घाट को पार करने के बाद।